नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुकित पूनम में दोस्तों आज हम दाल मोट बनाएंगे बहुत ही सिंपल नमकीन है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है तो चलिए बनाते हैं और देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाया है और कौन कौन सी सामग्री लगेगी मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए तो दाल दालमोट बनाने के लिए देखिए हमने सबसे पहले ये चने की दाल है जिसको हमने ओवरनाइट धुल के अच्छे साफ करके भिगो दिया था और उसमें हम थोड़ा सा सोडा डाल दिए थे मीठा सोडा भिगोते समय उसके बाद हमने देखिए ये छान के पानी में से निकाल के बाहर अच्छे से हमने फैला दिया उसको वह हमने पंखे के नीचे फैलाया था धूप में नहीं फैलाया अब हमने रख दिया ये तेल और तेल जब गर्म हो गया है तब हमने देखिए आधा दाल उसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तब ये ऊपर आने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि आपका नमकीन जो है फ्राई हो चुका है तो इसी तरह से हम इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब तेल से ऊपर आने लगेगा ये देखिए धीरे धीरे साइड से ऊपर आने लगा है तो अब समझिए कि आपका नमकीन हो चुका है तो अब इसको हम छान के और तेल से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी हम इसमें डाल देंगे तो अब देखिए ये जो दूसरा बचा हुआ था उसको भी हमने डाल दिया है और सेम तरीके से इसको भी हम करके निकाल लेंगे तो अब देखिए ये सारे हमने बना के निकाल लिए हैं और इसमें अब हम डालेंगे नमक ऐसे तो मोट में सिर्फ नमक ही पड़ता है लेकिन हमने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाली है ताकि वो अच्छे से चटपटी हो जाए तो इसको हमने इसमें दोनों मिक्स कर दिया है और अब हम एक प्लेट में इसको सर्व कर देंगे और बहुत ही टेस्टी लगेगा आप इसको चाय के साथ आराम से खा सकते हैं या किसी भी चीज़ में मिक्स करके खा सकते हैं तो दालमोट हमारा बन के तैयार हो गया उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार